क्लियर नहीं है, हम लोग जिला जिला के बोले 2000 शिक्षा कर्मी का पद खाली है, इनको भर्ती करो, कम में पढ़े लिखे नौजवान है। लेकिन यहाँ पर झूठ बोलने वाला रमन सिंह और केदार कच्चे हम लोग को विधानसभा में बोले हमारा सचिवगढ़ में डीएड मेयर के बच्चे नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ के उसी से बाहर से लाएंगे। और केदार कच्चे को यहाँ के बोलना चाहिए ये जितने बैठे लोग हैं ये पूरा छत्तीसगढ़ बैठा है, अगर शिक्षा कर्मी होंगे अगर गुरुजी होंगे चाहे शिक्षक होंगे उनको पैसा सीधा रात की ओर से सरकार का खजाने से उसके पासबुक में जाएगा, अगर जिसका पैसा दूसरा को खाता में जाएगा कम पैसा हमारे पास आएगा। एक काले का तरीका बनाया है, इसको अगर बंद करना है, मैं अपने जब जब भी बोलता हूँ इस छत्तीसगढ़ में यहाँ के लोग यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री बनता या जितने बड़े बड़े हैं बड़े बड़े नेता है चाहे अमर अग्रवाल हो चाहे बिरमोहन अग्रवाल हो चाहे राजेंद्र बूढ़ा तो एक फर्जी चीटी बना बना कर झूठ बोल के हम लोग को दंगा मार रहे हैं, आपको कानून का लूट रहे हैं, छत्तीसगढ़ का पैसा को लूट रहा है। मैं ज्यादा नहीं बोल के हमारा विधानसभा चल रहा है, विधानसभा में भी तुम्हारे पास तो हम जरूर उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे तुम्हारा लड़ाई के साथ, कांग्रेस पार्टी रहेगा कि नहीं रहेगा कोवा से लगभग तुम्हारे साथ जरूर रहेगा।